सते जाए जिस पर सो सो बार, चांद सितारे सते जाए जिस पर सो सो बार, इसको समझ ना जाना मेरी चाहत का शहकार, नो नगो का नो नगो का नो नगो का हार। एक दो दिन तो किसी मुनासिब आदमी को ढूंढने में भी लग जाएंगे। मेरा बंगला पास में है, कभी आइए मेरे बंगले पे भाभी से मिलने। जी भाई साहब, मैं भी यहीं रहती हूँ। नहीं नहीं, वो कोई मुझसे पता पूछ रहा था, मुझे मालूम नहीं था। ना 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 बाबूजी, उधर जाना भी मैं। अरे वाह, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। हाँ, एक उलझन थी, आज फांस निकल गई। शायद मुसीबत में हो। ओहो छोड़ो ना, हमें वहाँ पहुँचना है ना। वो भाई साहब को बताया तो था, गली नंबर 15 तीसरा घर है मेरा। जल रही हो? बहाने मत बनाइए वरना। ए, not worth it। हम किस बातों में पड़ गए, इतनी अच्छी मूवी देखकर आए हैं। आओ आओ ना। अब्रार साहब ने हमें मुआयना करने के लिए भेजा है। इसके लिए तो हमें 10 फीट की सीढ़ी काफी हो जाएगी। कौन है वहाँ? क्या हुआ? पता नहीं कौन कौन लोग बंगले में घुस आते हैं। अरे मेन गेट का दरवाजा टूटा जो है, और कब से खिड़कियों पर जाली लगनी थी। ओ हाँ, वो बंगले को बेचने की बात हो रही थी ना, इसलिए भूल गया। शाम को घर आना मत भूल जाइएगा, मालूम हुआ कि आप नए बंगले को ही ताकते रह गए। क्या हुआ जमाल, बुरा मान गए? फिर उस बंगले की बात मत करना। क्यों? बस यूं ही। अच्छा बाबा ठीक है, आप बताइए शाम को क्या खाएंगे? एकदम सादा खाना, मूंग की दाल और रोटी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी में ओवर ईटिंग हो गई है। चलो। अल्लाह हाफिज बुआ। अल्लाह हाफिज। आज तो दोशंबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सीढ़ी और आदमियों का इंतजाम हो गया है, अगर आप इजाजत दें तो हम लोग आ जाएं। जी बेहतर, आइए। आइए आइए,
इधर से लगाओ। अरे लाओ ना, हाजी साहब लाओ इधर। क्या हुआ? इसके लिए तो दूसरी सीढ़ी लानी होगी, जोड़ लगा के बाद बन जाएगी। एक और सीढ़ी चाहिए? इंतजाम हम कर देंगे लेकिन पैसे दुगने देने पड़ेंगे। ठीक है इंतजाम करो करो। बुआ पता लगाइए ना, आखिर हुआ क्या? अब्रार साहब क्या हो रहा है? दूसरी सीढ़ी लेने गया, सीढ़ी छोड़ी पड़ गई इत्तेफाक से। बुआ अब पता नहीं दूसरी सीढ़ी मिलेगी भी या नहीं। अरे बिटिया जान आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप चल के आराम करिए, तब तक ये दूसरी सीढ़ी भी ले आएंगे। हाँ चील का घोंसला, मुझे तो बचपन की कहानियां याद आ रही हैं। लीजिए बेटिया जान चाय पीजिए और अपना सरदर्द भगाइए। बुआ आपको क्या लगता है, हार मिल जाएगा? अल्लाह अभी हम कुछ नहीं कहते, बस दुआ मांगते हैं कि सब कुछ खैरियत से गुजर जाए। संभाल के देख के लगाओ। और थोड़ा उधर करो, ठीक है। तुम इतने लोगों की मदद करते हो तो फिर मेहनताना काहे नहीं लेते? ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, जो चाहोगे मिल जाएगा। सब अपने हिस्से का खाते, जिस दिन पैसा लूंगा काम का असर ही जाता रहेगा। पता नहीं घोंसले में चील है कि नहीं,
ये तो ऊपर जाके पता लगेगा। चील झपट पड़ी तो? अरे तुम अल्लाह का नाम लेकर ऊपर चलो, आगे की या फिर देखी जाएगी। चलो चलो चलो, और जाओ पकड़ लेना। शाबाश, बिस्मिल्लाह। मियाँ बड़ी हट्टी कट्टी चीज लगती है, मेरा तो दिल दहला दिया। शहद की मक्खियों से तो तुम नहीं डरते हो? वो बात अलग है मियाँ। पहले पहले ऐसा काम कर रहे हैं, अब चील के दांव पेच क्या जाने। हाँ, तुम ऐसा करो कि 1 किलो गोश्त के छिछड़े लेकर आओ। छिछड़े? हाँ। बुआ, बुआ। हाँ बेटी। धन वहाँ क्या हो रहा है? जब तुम घर की छत से छिछड़े आसमान की तरफ फेंकोगे तो चील अपना घोंसला छोड़कर जरूर जाएगी, और इस बीच में तुम घोंसले की तलाशी ले लेना। चलो लो जाओ। ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली मियाँ आपने। अब ये मजदूर उधर क्यों जाने लगा? बुआ 3 बजने वाले हैं और 2 घंटे बाद इनके ऑफिस से आने का वक्त हो जाएगा। मेरा दिल हौलने लगा है। अरे पिटिया जान, 2 घंटे में तो 2 पहाड़ गिर जाएंगे। आप फिक्र ना करें, 4 बजे तक देखते हैं, वरना हम इन्हें कल आने के लिए बोल देंगे। अरे चील को छिछड़े फेंकने छत पर जाना है। आप जरा जीने का दरवाजा खोल दीजिए। जी अच्छा। चलो तुम ऊपर चलो, जल्दी करो जल्दी करो। फेंको फेंको। मिल गया हार। बुहार, बुहार मिल गया। मेरा हार, हार मिल गया। मिल गया हार, मिल गया हार। अबरा साहब, कौन है वहां? क्या कर रहे हो? सब्र कीजिएगा जनाब, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जन्नत मुझे वापस कर दी। खुदा का शुक्र है। ये सब
क्या हो रहा है कोई मुझे बताने की जहमत करेगा? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ, आइए। कमाल कर दिया अबरार साहब आपने, हमने तो सिर्फ आपकी तारीफ सुनी थी, आज आंखों से भी देख लिया। छोड़ो छोड़ो, नेकी के काम करना इंसानों के फर्ज में है। ये सब मेरे घर में कब से चल रहा है? मैं पूछता हूँ, मुझसे ये सब पोशीदा क्यों रखा गया? सिर्फ अपनी जन्नत बचाने के लिए जमाल, मैं नहीं चाहती थी कि इतने महंगे हार के खोने पर आप मुझसे बददिल हो और दो टके का हार? अरे उस दो टके के हार के लिए तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलती रही और बुआ भी तुम्हारा साथ दे रही थी। 5 लाख का हार 2 टके का भले ही आपके लिए हो, मगर मेरे लिए ये पेश कीमती है, आपका दिया पहला तोहफा। मैं इस 1,500 के मस्तूई हार के चलते तुम्हारी ये गलती माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। डेढ़ हजार? उस दाढ़ी वाले ने तुम्हें खूब लूटा होगा, खूब पैसे बनाए होंगे। बस बस कीजिए, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका जमाल। ठेस तो मुझे लगी है, दिल तो मेरा पारा पारा हुआ है, मोहब्बत के तोहफे के नाम पर ये बनावटी हार, यही है मेरी वक्त आपके दिल में। इस बीच मैंने इस हार के गायब होने पर क्या क्या नहीं सहा, आपकी मोहब्बत भी असली नहीं, इस हार की तरह नकली है। जिस घर को मैं जन्नत समझती रही वो जहन्नुम था। बारे मेरी नादानी, बारे मेरी नादानी। जुगनू, यह हमारा जाती मामला है, हमें ही हल करना होगा। नहीं, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। एतबार की यह दीवार कब की टूट चुकी है। तुम मुझे दूसरों के सामने छोटा दिखाने जा रही हो। मैं किसी से कुछ नहीं कहने जा रही, मुझे दूसरों के सामने गिरना नहीं है कि मेरा शौहर झूठा है। मेरे दिल की मलिका,
मुझे मौत की सजा मत दो। जो था नशा था, बचपना था चुगलू, झूठ बोलने का मेरा इरादा नहीं था। बस बस इतना समझ लो कि अपने को तुम्हारे आगे बड़ा दिखाने की कमजोरी थी, मोहब्बत का इजहार था। प्यार में सिर्फ तुमसे कर मुझे यहाँ किसने लिटाया? बिटिया जान। जी बुआ। अप्राल साहब आए हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी बिटिया जान, अब्रार साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे अल्लाह, आपको तो तेज बुखार है, बदन तप रहा है। चलिए हम आपके ठंडे पानी की पट्टियां कर देते हैं, अब्रार साहब को बाद में आने के लिए कह देंगे। नहीं बुआ, हटिए, हमें मत रोकिए। मुझको दिया है तूने।
मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस रकम से मदरसे के बच्चों की मदद कर दें। बाहर जुगनू, नौशिमिया, नौशिमिया, नहीं रुक सकती मुझसे जुगनू। घबराने की बात नहीं है, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। शर्मो हया से भरी भरी, या खुदा इनमें कौन ना डूब जाए। अरे तब की तब देखी जाएगी मम्मी, और फिर कितना आसान है, झूठ खुलने पर कह दूंगी आई एम सॉरी। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल, कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन।